में है और ये दोनों साइन कॉस में, ठीक है ना। ये छोटा लग रहा है देखने में, बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो हम लोग आर एच एस चलेंगे, आर एच एस पास क्या हो जाएगा, पहुंच जाएंगे आर एच एस पास, आर एच एस से चलेंगे, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स 5/13 है प्लस कॉस इनवर्स 3/5 है। तो ये 10 में, इसे दोनों को हम लोग 10 में बदल लेते हैं। ये हो जाएगा लम, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा सॉरी साइन में हो जाएगा ये लम, ये कर्ण, कॉस में हो जाएगा ये आधार, ये कर्ण। तो लम कितना हो गया इसमें, देखो 5 हो गया। आधार कितना हो गया, सॉरी कर्ण कितना हो गया तुम्हारा, 13 हो गया, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे बी, तो बी कैसे निकलेगा, एच स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस क्या 5 का स्क्वायर। तो टोटल आता है तो वो कितना 169 आया माइनस 25। तो बी इक्वल टू क्या आया देखो, 144 आया, मतलब ये आ गया कितना तुम्हारा 12 आ गया। इसमें देखो बी कितना है 3 है, एच कितना है 5 है, पी निकालना है, पी कैसे निकलेगा, एच स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, बी मतलब 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस क्या हो जाएगा 9, पी कितना हो गया देखो 16 हो गया, मतलब पी कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया। हमको बदलना है इसको 10 में, तो यहाँ पर लिख दिए 10 के लिए चाहिए पी बाय बी, पी तो हो गया आपका 5 ही हो जाएगा और बी कितना निकाले हैं 12, फिर इसको भी बदलना है 10 में, 10 में बदलने के लिए क्या चाहिए पी बाय बी, तो पी तुम्हारा हो गया 4 और बी हो गया तुम्हारा 3, ठीक है। और एक फार्मूला आपको बताए थे, 10 इनवर्स y इजकल टू होता है फार्मूला 10 इनवर्स x + y 1 - x y, ये x हो गया और ये y हो गया। तो देखो क्या हो जाएगा, ये x हो गया, ये y हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x + y, तो x हो जाएगा तुम्हारा 5/12 और y हो जाएगा तुम्हारा 4/3 और 1 - x y, x हो जाएगा तुम्हारा 5/12 और y हो जाएगा तुम्हारा 4/3। तो 10 इनवर्स देखो हैं जरा सब क्या हो जाएगा, 12 + 36 हो जाएगा, 12 + 36 5 + 15 12 + 36 48, ये भी 36 हो जाएगा तुम्हारा, 36 - 5 = 20, 36 तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा कि 48 + 15 = 63 होता है, 36 में से 20 जाएगा तो 16 हो जाएगा, यही प्रूफ करना था, ठीक है। एल एच एस हो गया आपको प्रूफ, हो गया 63/16।